हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने एक नया फ़ोन परचेज़ किया है। और फ़ोन परचेज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले जो मैंने फ़ोन परचेज़ किया वो किया सैमसंग का S9। ये एक सैमसंग का प्रीमियम रेंज का फ़ोन है। और उसके बाद अलावा मेरे को ज़रूरत थी एक सेकेंडरी फ़ोन की, तो उसके बाद मैंने फ़ोन परचेज़ किया वीवो का Z1X, जो कि आप देख सकते हैं। और इट कॉस्टेड में अराउंड 17,000 रुपीज़। के बाद मैंने फ़ोन परचेज़ किया था। मुझे सिम लगाने के लिए दूसरे फ़ोन की ज़रूरत थी, क्योंकि जो सैमसंग के S9 में सिर्फ दो ही सिम लगती थी और मेरे पास एक्स्ट्रा सिम थी। सो फिलहाल ये जो फ़ोन है मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो इसके बाद जो मैंने फ़ोन परचेज़ किया है वो परचेज़ किया है सैमसंग का A70S, और जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है और सैमसंग वालों का, और काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसा है ये फ़ोन। और हालांकि मैं एक दिस इज़ नॉट अ टेक्निकल चैनल, तो मैं आपको इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग नहीं शो करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि आपको ये फ़ोन कैसा है कैसा नहीं, तो इन सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सैमसंग के A70S के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं इस फ़ोन के साथ आता क्या क्या है। और हालांकि इसकी और बॉक्स की जो अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुका हूँ, क्योंकि ये वह जो फ़ोन जो है मैंने 1 वीक पहले परचेज़ किया था। आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि फ़ोन कैसा लगा मेरे को, इसकी क्या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्या इसका कैमरा, फ़ोन का परफॉर्मेंस है, तो सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आता है इसके साथ ही 18 वाट का फास्ट चार्जर, जो आप देख सकते हैं वाइट कलर का है और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। और इसके अलावा आता है ये हेडफोन सैमसंग का, जो नॉर्मल प्रीमियम फ़ोनों में या फिर मोस्टली फ़ोनों में आपको मिलता है, जो सस्ते फ़ोनों में नहीं मिलता है, ये वाला ईयरफोन है। तो इसके अलावा कुछ साइड में रखते हैं। और इसके अलावा मेरे पास है सैमसंग का A70S, और ये जो मैंने फ़ोन परचेज़ किया है ये वाइट कलर में परचेज़ किया है। और इससे पहले भी मेरे पास 2 फ़ोन थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सैमसंग का S9, जो कि मेरा पर्सनल देखा जाए तो पर्सनल फ़ोन है, इसको मैं मोस्टली अपने पास रखता हूँ। उसके अलावा मेरे पास ये है वीवो का Z1X, जो कि मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, अपने घर पे रहता है, इसके अंदर मैं जो मेरी अलग सिम है वो इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं सैमसंग के A70S के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ये जो फ़ोन आता है 6.7 इंच की सुपर एमोल्ड फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, और इसके अंदर है 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, और इसके अलावा इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल, जो कि यहाँ है। और इसके अलावा ये इसके साथ आता है 18 वाट का फास्ट चार्जर, और इसकी जो बैटरी है वो है 45,000 mAh की बैटरी है। और इसका एक चीज़ जो है कि काफ़ी ज़्यादा स्लिम है इस फ़ोन की। जब से एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी वो नहीं लगी इसका जो साइज़, इसका 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आप इसको लेके अगर बाइक वगैरह पे चलाते तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो S9 को लेने की जो सबसे बड़ी मेरी वजह थी वो यही थी, इसका जो साइज़ होना, कॉम्पैक्ट होना। दिखाता हूँ थोड़ा पास से आपको, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है और बैक से कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो मैंने लिया है वाइट कलर 8GB 128GB वेरिएंट के साथ लिया है, और काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा मेरे को। इसकी फ़ोन की जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है, कैमरा परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी अच्छा लगा, बैटरी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जब आप चलते हुए इसको रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को, तो उस वक्त भी इसमें सुपर स्टडी है, तो आपको जो वीडियो फुटेज ज़्यादा शेकी नहीं मिलेगी, काफ़ी क्लियर आपको नज़र आएगा। तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा फ़ोन लगा मेरे को A70S। और एक बात और कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 फ़ोन हो गए हैं, तो मुझे थोड़ी इन ज़्यादा फ़ोनों से मुझे छुटकारा चाहिए। तो हालांकि करके आ रहा हूँ कि ये जो 2 फ़ोन हैं मैं अपने पास रखने वाला हूँ, A70S और A S9, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरा ये वीवो का Z1X है मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अगर कोई भी इस फ़ोन को ख़रीदना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं इसको इस फ़ोन को सेल करना चाहता हूँ। ये 3 to 4 month ओल्ड फ़ोन है, तो इस फ़ोन को मैं सेल करना चाहता हूँ। किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको ये फ़ोन बेचूँगा। इसका जो प्राइस है वो है 28,000 रुपीज़, और इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे फ़ोन लगा ये, और काफ़ी स्लिम है, साइज़ थोड़ा बड़ा है, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। और ट्रिपल इसमें रियर कैमरा है, और साइड में ये वॉल्यूम अप और डाउन बटन है,
और इसके अलावा यहाँ पे एक ये पावर बटन है और ये तीन है, और यहाँ पे इस लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड में ये स्लिम स्लॉट दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे ये स्पीकर है, और यहाँ पे माइक्रोफोन नहीं ये माइक्रोफोन जैक है, और इसके अलावा टाइप सी केबल आप यहाँ पे टाइप सी, इसका चार्जर जो है वो टाइप सी है, जो कि मोस्टली आजकल फ़ोनों के अंदर क्या आ रहा है, टाइप सी चार्जर ही आ रहे हैं। तो हालांकि मुझे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इफ़ एनीवन हु वांट्स टू बाय ए सैमसंग A70s दे कैन गो फॉर दैट, और काफ़ी बेहतरीन फोन लगा। सो आई होप कि जो वीडियो थी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और इस तरह की आप फर्दर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स करें, मुझे कमेंट में कमेंट करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।